बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम तमाम हम परदेसी भाई व्हाट्सअप तो यूज़ करते ही हैं, हैं जी। मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, ये रहा। और भी दोस्तों से गपशप और परदेसी भाई, ख़ासकर फैमिली में पाकिस्तान गपशप, और क्या इसके अलावा क्या बोलते हैं भाई, अगर शादी हुई है तो यार घर में बैठी हुई जो हमारी एक खूबसूरत किस्म की बीवी है, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने एक तोहफ़ा दिया हुआ है, तोहफ़ा बोलता हूँ, कदर कीजिए। अच्छा छोड़ छोड़े, बात किसी और तरफ चल पड़ेगी। उनको भी चाहिए हमारी कदर करें। प्रदेश में इतनी इतनी देर धक्के खाते हैं और पैसे कमा कर घर भेजते हैं, और जाना उस टाइम साथ लेकर जाते हैं भाई, बहुत सी चीज़ें लेकर जाते हैं। अच्छा वैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जब आप सफ़र पर जाएँ और जब आप सफ़र से वापस अपने घर जाएँ, तो अगर आप इस्तेआत रखते हैं तो अपनी बीवी के लिए कोई ना कोई कीमती तोहफ़ा लेकर जाएँ। अच्छा बहरहाल जी, व्हाट्सअप के मतलब बात हो रही थी, बात तो कहीं और ही चल पड़ी। व्हाट्सअप हम तमाम परदेसी यूज़ करते हैं, बाहर भी बात करते हैं यार। हाँ अभी पाकिस्तान सॉरी सऊदी में आपको पता है कि बहुत मसला है जी वीपीएन का, और वीपीएन के बगैर व्हाट्सअप से कॉल नहीं होती है। हाँ चैट हो जाती है, आप ईमेल के ज़रिए कॉल कर सकते हैं। लेकिन यार एक मेरे सामने आज न्यूज़ आई है, मैंने बोला तमाम परदेसियों के साथ शेयर करता चलूँ। खुदा न खवास्ता ऐसी गलती मत कर लीजिएगा, वरना भाई 15,000 रियाल तक आपको जुर्माना और साथ में 6 माह कैद, और उसके बाद गैर मुल्की हुआ तो डीपोर्ट, ये मामला हो सकते हैं यार, एक छोटी सी गलती। अच्छा ये मैं किस्सा जो मेरे सामने आया ये आपको सुनाना चाहूँगा मैं। एक खातून को ये ग्रामा हुआ है जी, खातून को हुआ है, कैसे सुन लें। ये एक बाकायदा सऊदी के घर में घुसी हैं। अभी आपको ये भी क्लियर कर दूं मैं, तमाम परदेसी भाई जो आज़ाद काम करते हैं, आपने पहले जैसे कि बनी माल का भी गिरा दिया गया, जैसे कि बवा दी, जैसे कि वो क्या बोलते हैं सॉरी ये शारा सितिन ले लें, आप शारा सबैन ले लें, इनके ऊपर जितने भी गैर वादिए आप चले जाएँ, मरीख ये जितने भी हैं ना भाई, ये सभी इलाकों में गैर मुल्की बहुत बैठे हुए हैं यार। इनमें ना होता क्या है, अक्सर आपको पता है वो सऊदी सॉरी वो मांगने वाली खवातीन होती हैं, वो कालिए वो अक्सर घर में घुस आती हैं यार। आप अगर आपने सीसीटीवी कैमरा अपने घर पर लगाया हुआ है तो फिर तो वो आप दोबारा आपके घर में नहीं घुसेगी उसके बाद, अगर आप ये काम कर लेंगे। सुन लें कैसे। अच्छा एक खातून सऊदी के घर में घुसती है, और ये भी सौदन थी, और इनका कोई जैसा तैसा भी मामला था, और इसने घर में घुसने के बाद उसको जो भी बातचीत की सऊदी से, उसको डराया धमकाया या जैसे भी बात हुई, बकायदा वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उसके बाद उस सऊदी की गाड़ी की भी तलाशी ली इसने, ठीक है, हाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह या जो भी थे इनके मामला आपस में। अच्छा उसके बाद ये खातून व्हाट्सएप के ऊपर उस सऊदी को मैसेज छोड़ती है, और बातचीत होती है दोनों की, और व्हाट्सएप के ऊपर जब उसको मैसेज छोड़ती है तो उसमें कुछ ऐसे अल्फाज, ऐसे वॉइस मैसेज इस्तेमाल करती है कि वो आगे आगे वाले बंदे को हरासा करने की, यानी कि उसको डराने धमकाने वाली कुछ बातें होती हैं उसमें, आप गालम गलोच भी ले सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए उस बंदे ने इस खातून के ऊपर केस कर दिया कि ये देखा जी मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, इसने मेरे घर में घुसे कर मुझसे बातचीत की है, चलो जो वो तो ठीक हो गया, उसके बाद मेरी गाड़ी की तलाशी ली है, उसके बाद ये रहा व्हाट्सअप और ये रहे इनके सबूत और प्रूफ, एंड ये मुझे जैसे तैसे करके ब्लैकमेल कर रही हैं, ठीक है। खातून को बुलाया गया जी, खातून ने आगे से इल्ज़ाम ये लगाया कि ये मुझे हरासा कर रहे थे। हरासा समझते हैं खातून किसी को हरासा करना, यानी कि आप उसको छेड़ रहे हैं, आप उसको कोई भी किसी का सब टचिंग वाला मामला या उसको किसी बात के ऊपर उकसा रहे हैं। तो खातून का ये जो हरासा करने वाला बयान है, ये जज ने जब देखा मुकम्मल सबूत, उसने बोला ये तो फारग है, ये आप झूठ बोल रही हैं। उसके बाद मर्द की तरफ से ये कहा गया कि मुझे इनके ऊपर 15,000 रियाल का ग्रामा और 6 माह की कैद करें इन्हें। अच्छा बहरहाल जैसे तैसे मामला चले, जज ने उस मर्द था जो उसको समझाया, तो आप थोड़ी लेस करें यार, थोड़ी नरम नरम मिजाज इख्तियार करें। बहरहाल खातून को फिर भी 2,000 रियाल का जुर्माना और कैद नहीं हुई है जी, सिर्फ 2,000 रियाल का जुर्माना हुआ है। तो बात करने का सिर्फ मकसद ये है, तमाम परदेसी भाई किसी भी दूसरे परदेसी भाई से, या आप सऊदी में किसी भी बंदे से, अगर आपने पैसे लेने हैं, जो भी मामला हैं आपके यार व्हाट्सअप के ऊपर खास करके, या वीडियो कॉल के ऊपर, वैसे कॉल के ऊपर भी बदतमीजी गालम गलोच मत कीजिएगा। हाँ उससे वैसे बोले यार मेरे पैसे दे तेरी मेहरबानी, या मुझे भाई जिधर किधर आया मैं तुम्हारी रिहाइश के ऊपर आता हूँ, मेरे मामला सीधे कर, यही बेस्ट है। किसी के साथ बदतमीजी मत कीजिएगा, वो भी वीडियो कॉल, वैसे कॉल या व्हाट्सअप वगैरह के ऊपर।